अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू हैदर टेक। आज के इस एपिसोड में मैं आपको दुनिया में मौजूद सबसे एडवांस और फ्यूचरिस्टिक वेपन्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। सो लेट्स बिगिन। नंबर 7, डबल बैरल ग्लॉक। दोस्तों, आपने बहुत से पिस्टल्स देखे होंगे, लेकिन आपने यकीनन इस जैसी अमेजिंग गन पहले कभी नहीं देखी होगी। इसका डिजाइन दुनिया में सबसे यूनिक है। इस अमेजिंग पिस्टल के दो मॉडल्स बनाए गए हैं, एक ग्लॉक 17C है और दूसरा 18C। इन दोनों को कई एलिमेंट से मिलाकर बनाया गया है। इस पिस्टल में डबल फ्रेम, डबल बैरल और इवन डबल ट्रिगर मौजूद है। ये 6 मिलीमीटर कैलिबर की गन है। इस गन में 2 मैगजीन्स होती हैं, जिनमें टोटल 50 राउंड्स लोड होते हैं। दोनों मैगजीन्स में 25-25 गोलियां लोड की जा सकती हैं। इन दोनों मॉडल्स में फर्क ये है कि ग्लॉक 17C सेमी ऑटोमेटिक होती है, जबकि 18C फुल ऑटोमेटिक होती है। ये गन रियली इनक्रेडिबल है। नंबर 6, कॉर्नर शॉट। दोस्तों, किसी भी कॉम्पैक्ट मिशन में जब फायरिंग हो रही होती है, तो इस वक्त सबसे डेंजरस सिचुएशन दुश्मन पर कॉर्नर से फायर करना होता है। पुलिस को क्रिमिनल्स की लोकेशन देखने के लिए आगे होना पड़ता है और ये एक्शन इनकी जान भी ले सकता है। लेकिन अब इस कॉर्नर शॉट गन से ये काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। जैसे कि इस गन की शेप से आपको अंदाजा हो गया होगा ये कैसे काम करती है। ये गन 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होती है और 63 डिग्री एंगल पर बेंड हो जाती है। इसके टर्न पार्ट में गन और वीडियो कैमरा होता है, जबकि हैंडल पार्ट में एक स्क्रीन लगी होती है, जिससे ऑफिसर क्रिमिनल्स की एक्टिविटीज को लाइव देख सकता है। इसके अलावा कैमरे को रोटेट करके ऊपर और नीचे और साइड के एरियाज को भी देखा जा सकता है। ये गन रियली अमेजिंग है। नंबर 5, हेक विजन ड्रोन डिफेंडर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल ड्रोन्स का दौर है और कोई भी इन्हें खरीद कर किसी भी जगह का बर्ड व्यू ले सकता है। इसलिए ये जरूरी था कि कोई ऐसी वेपन बनाई जाए जो कि प्रोटेक्टेड एरियाज को ड्रोन से बचा सके। ये जो अमेजिंग डिवाइस आप देख रहे हैं, ये एक चाइनीज कंपनी हेक विजन ने इन्वेंट की है। ये कंपनी सर्वेलेंस इक्विपमेंट्स बनाने में एक्सपर्ट है। इनकी इस डिवाइस की मदद से किसी भी प्राइवेट और कमर्शियल ड्रोन को अनवांटेड जोन से हटाया जा सकता है। ये प्रोडक्ट 2 मॉडल्स पर मुश्तमिल होता है। फर्स्ट मॉडल मैनुअली ऑपरेट किया जाता है। इसे ऑन करने के बाद ड्रोन पर एम करना होता है और ये डिवाइस ऑपरेटर के रिमोट कंट्रोल से आने वाले सिग्नल्स को जैम कर देगी, जिससे ड्रोन स्टार्टिंग पोजीशन पर वापस चला जाएगा। जबकि इसके सेकंड मॉडल के जरिए ड्रोन के सिग्नल्स को जैम करके उसी जगह पर लैंड करवाया जा सकता है। इस डिवाइस में ऑटोमेटिक मोड भी होता है, जिससे ये ऑटोमेटिकली ड्रोन डिटेक्ट करके इसे फोर्स लैंड करवा देती है। इस डिवाइस को एयरपोर्ट्स, प्रिजंस और प्रोटेक्टेड एरियाज की सेफ्टी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 4, स्मार्ट गन्स। दोस्तों, दुनिया में कई ऐसे ममालिक हैं जहां सिटीजंस को एक लाइसेंस के साथ गन रखने की इजाजत है, लेकिन इसके बावजूद आप हर वक्त तो गन अपने साथ कैरी नहीं कर सकते। और अगर ये गन कोई चोरी कर ले, तो वो इससे जो क्राइम करेगा, इससे नुकसान आपको होगा। आजकल गन दिन ब दिन एडवांस हो रही है और मैन्युफैक्चरर्स ऐसी स्मार्ट गन्स इन्वेंट कर रहे हैं जिनको सिर्फ ऑनर ही चला सकता है। ऐसी स्मार्ट गन को चलाने के लिए एक सीक्रेट पिन की जरूरत होती है और अब तो ऐसे पिस्टल्स के प्रोटोटाइप भी आ चुके हैं जिनमें बिल्ट इन रिकॉग्निशन सिस्टम होता है और ये पिस्टल सिर्फ ऑनर के हाथ में ही आकर शूट करता है। इसके अलावा कई अमेरिकन फायर आर्म कंपनीज ऐसी गन्स भी इन्वेंट कर चुकी हैं जो कि बायोमेट्रिक हैं और सिर्फ ऑनर के फिंगरप्रिंट्स के साथ ही इन्हें चलाया जा सकता है। ये टेक्नोलॉजी सच में कमाल है। नंबर 3, ट्रैकिंग पॉइंट राइफल्स। दोस्तों, प्रिसिशन गाइडिंग फायर आर्म सिस्टम दुनिया में सबसे पहले 2012 में मुतारफ करवाया गया था। एक अमेरिकन कंपनी ट्रैकिंग पॉइंट के डिवेलपर्स ने एक स्मार्ट एमिंग सिस्टम डिवेल्प किया जो कि वेपन्स को एक नए लेवल पर ले गया। और आज तो ये एमिंग सिस्टम कोई भी शख्स जिसके पास लाइसेंस हो वो ऑर्डर कर सकता है। इस एम सिस्टम की प्राइस $7,000 है। ये एम सिस्टम बहुत ही जबरदस्त और परफेक्ट निशाना लगाता है। इवन ये टारगेट की लोकेशन, डिस्टेंस और परफेक्ट एमिंग पोजीशन भी यूजर को बताता है। इसके अलावा शूटिंग और कैलकुलेशन की करेक्शन भी ऑटोमेटिक होती है। इस सिस्टम में 2 वीडियो कैमरे होते हैं जिनमें स्पेशल फिल्टर होता है। इसके अलावा लेजर, रेंजिंग डिवाइस, स्क्रीन और ऐसे सेंसर्स होते हैं जो कि इसके अंदर लगे कंप्यूटर को कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। शूटर को सिर्फ टारगेट सेलेक्ट करना है और इसे पॉइंट आउट करना है। इसके बाद कंप्यूटर एम लॉक कर देगा और आपको सिर्फ ट्रिगर दबाना होगा। ये सिस्टम सच में अमेजिंग है।
नंबर टू लाइफ गार्ड। दोस्तों आजकल हालात ऐसे हो गए हैं कि कोई भी शख्स 100% सेफ नहीं है। इवन नॉर्मल कंडीशन में भी इंसान को मुजरमों और खतरे का सामना करना पड़ता है। अपनी प्रोटेक्शन के लिए हर वक्त गन को अपने साथ कैरी करना पॉसिबल नहीं है। इनका साइज और वेट बहुत ही ज्यादा होता है, इसीलिए ये स्मॉल और कॉम्पैक्ट वेपन इन्वेंट की गई है जो कि इंसान हर वक्त अपनी पॉकेट में कैरी कर सके। लाइफ गार्ड को एक अमेरिकन कंपनी ट्रायल ब्लेजर आर्म ने डेवलप किया है। ये दुनिया की सबसे छोटी पर्सनल वेपन्स में से एक है। जब इसे फोल्ड कर दिया जाता है तो ये कार्ड बॉक्स लगता है जिसे आप अपनी स्मॉल पॉकेट में भी रख सकते हैं। इसकी ये कार्ड शेप इसे एक सीक्रेट वेपन बनाती है। पर्सनल सेफ्टी के लिए इस कार्ड गन से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। नंबर वन, डब्ल्यू मर्ट। दोस्तों ये जो मिलिट्री व्हीकल आप देख रहे हैं ये एक स्क्वाड मल्टी इक्विपमेंट ट्रांसपोर्टर है। इसे कुछ साल पहले अमेरिकन आर्मी के लिए डेवलप किया गया है। इस सिस्टम को जेन्युइन डायनेमिक लैंड ने मैन्युफैक्चर किया है। ये ग्रैंड रोबोट है जो कि वेपन्स और इक्विपमेंट्स वगैरह की ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका पेलोड 540 किलो से ज्यादा है। इसके अलावा ये रोबोट 72 घंटे तक लगातार काम कर सकता है। एक दफा इसका टैंक फुल करने के बाद ये 96 किलोमीटर तक लगातार चल सकता है। ये व्हीकल दो मोड्स में काम करती है। फर्स्ट मोड में इसे एक सोल्जर कंट्रोल पैनल के जरिए चला सकता है और सेकंड मोड में ये अपनी कमांड के सोल्जर को ऑटोमेटिकली फॉलो करेगी। जेन्युइन डायनेमिक कंपनी ने यूएस आर्मी को ऐसे 624 रोबोट्स बनाकर देने हैं और ये ऑर्डर 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा। डब्ल्यू मर्ट सोल्जर्स के लिए लोड कैरी करेगा और इन्हें भारी वजन के बैग्स डालकर ऑपरेशन नहीं करने पड़ेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और हैदर टेक को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस देखने को मिलती रहें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।